हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर में हम लोगों ने जो लास्ट क्लास पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्रम विधि में संबंध जो था उसके बारे में। ठीक है, क्रम विधि में संबंध के बारे में हम लोगों ने बता दिया था सारा कुछ, और उसमें शायद मैंने लिखवाया था कि नहीं लिखवाया मुझे याद नहीं, मैंने इसको बता दिया था कि एक्स केयर पी एक्स केयर, वाई केयर पी वाई केयर, ऐसे ही जेड केयर पी जेड केयर, इनकी वैल्यूज तो आयोटा एक्सप्रेस होती है, और उसमें मैंने निकाला भी बता दिया था कि निकाला कैसे था, है ना। उसके अलावा मैंने ये चीज लिखवाई थी एल एक्स केयर एल वाई केयर जो है इनका कम्युनिकेशन ब्रैकेट यानी क्रम विधि में संबंध जो होता है होता है आयोटा एक्सप्रेस एल जेड केयर, ऐसे ही एल वाई का एल जेड के साथ होता है आयोटा एक्सप्रेस एल एक्स केयर, और ऐसे ही एल एक्स और एल वाई का होता है आयोटा एक्सप्रेस एल जेड केयर, यही होता है। हमने इसका प्रूफ नहीं बताया था तो प्रूफ मैं बता दूंगी अभी अभी, पहले थोड़ी सी उसके लिए कोई गुड़दर्द चाहिए उस हिसाब से फिर बताएंगे। ठीक है, एक हमने ये बताया था कि नहीं बताया था, देख लेना कि जो एल के स्क्वायर है उसका चाहे आप एल एक्स के साथ हो, और इनके प्रूफ आपके काम के लिए ना इसके ना उसके, लेकिन मैंने बता दिया था उसका और इसका मैं बता दूंगी, है ना। तो जितना काम का है उतना आपको बता देते हैं, सिर्फ आपको आना चाहिए एल वाई कैप के साथ हो या फिर एल एक्स कैप स्क्वायर का एल जेड कैप के साथ हो, इसका आंसर हमेशा क्या आता है जीरो ही आता है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने शायद पिछले में बता दी थी, शायद लास्ट वाली चीज नहीं बताई थी तो लिख लेता है इसमें। फिर हम लोग जो भी क्रम विधि में के जो बीच में थे जो गुणधर्म है वो लिखते हैं। तो अब देखते हैं संकारात्मक के गुणधर्म। ठीक है, तो देखिए तो इसके गुणधर्म देखते हैं हम लोग। फर्स्ट है कि अगर ए कैप बी कैप संकारक हैं और वो क्रम विनिमेयक हैं, और फिर बी कैप और ए कैप संकारक हैं उनका क्रम विनिमेयक एक दूसरे के उल्टा होता है, यानी कि अगर आप कहो कि एक्स कैप और पी एक्स कैप का कम्यूटेशन ब्रैकेट, ये कम्यूटेशन होता है, कम्यूटेशन बोलना ज़्यादा इजी रहता है, अदरवाइज ये तो क्रम विनिमेयक है लेकिन कम्यूटेशन बोले तो आप समझ जाना। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर आयोटा एच क्रॉस होती है और अगर मैं इनका क्रम बदल दूं यानी पी एक्स कैप और एक्स कैप कर दूं तो इसका आंसर माइनस आयोटा एच क्रॉस आएगा, पहला रिलेशन। दूसरा है अगर कोई एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है उसके साथ मैं ए कैप का क्रम विनिमेयक लूँ तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो आती है। ए क्या है, कोई नियतांक है। कैसे निकालते हैं इसको, जैसे ए कोई कांस्टेंट है इसके साथ ए कैप का ले तो कम्यूटेशन क्या होता है यानी कि क्रम विनिमेयक ए ए कैप माइनस ए कैप ए। अब ये तो क्या है, कैसी कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक है, आगे पीछे कहीं भी लिख लूं। अगर ये ऑपरेटर होता तो कोई दिक्कत होती, दोनों की वैल्यू करी, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई ना। तीसरा, अगर ए कैप का कम्यूटेशन बी कैप प्लस सी कैप के साथ लिया जाए तो पहले ए कैप किसके साथ काम करेगा, बी कैप के साथ, फिर प्लस लगा के ए कैप किसके साथ काम करेगा, सी कैप के साथ। अगला, अगर ए कैप का ऑपरेट कराएं बी कैप सी कैप के साथ जब ये गुणा में हो, तो देखिए करने का तरीका, पहले ए कैप बी कैप के साथ ऑपरेट होगा, बाहर क्या आ जाएगा सी कैप प्लस, फिर ए कैप सी कैप के साथ ऑपरेट होगा लेकिन बी कैप क्या आ जाएगा, बाहर। अब ये चीज भूलना मत, यहां सी कैप पीछे था तो बाहर पीछे आ गया, यहां बी कैप आगे था तो बाहर आगे आ गया। ऐसे ही पांचवा, अगर मैं ए कैप
बी कैप के साथ सी कैप को लूं तो क्या होगा, पहले ए कैप सी कैप के साथ ऑपरेट होगा, बाहर आ जाएगा बी कैप क्योंकि बी कैप पीछे है, फिर बी कैप सी कैप के साथ ऑपरेट होगा, बाहर क्या आ जाएगा ए कैप। यहाँ पे सुपीरियर यानी यहाँ पे महान है ए कैप जो दोनों में आ रहा है, यहाँ पे काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है सी कैप का, दोनों में आ रहा है। ये इसके पांच गुणधर्म है, एक छठा और है वो भी बताते हैं, पहले इनको लिख लो क्योंकि इन्हीं से ही हम लोग आगे की चीजें जो प्रूफ कर पाएंगे। अगली इसकी छठी प्रॉपर्टी है, सिक्स प्रॉपर्टी है, छठी प्रॉपर्टी है अगर आप लोग कम्यूटेशन लो ए कैप का बी कैप सी कैप के कम्यूटेशन के साथ प्लस, फिर सेम चलने देना ए के बाद बी सी, ए बी सी, फिर बी के बाद सी ए प्लस सी के बाद ए बी, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है, तीनों को अगर प्लस किया जाए क्रम में। ये ऐसे काम बहुत कम आता है, बस तुम्हें पता होना चाहिए, काम आएगा इंपॉर्टेंटली ये वाला फर्स्ट वाला और फोर्थ फिफ्थ वाला, ये इंपॉर्टेंट जाता है, ये वाला और ये वाला नोट कर लो। फिर एक दो के हमारे पास प्रूफ्स हैं वो हम लोग कर लेते हैं। आगे हम लोगों को जैसे प्रूफ करना था, जैसे कि हम लोगों ने चलो एक क्वेश्चन टाइप करते हैं, इससे प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएंगी। हम प्रूफ करते हैं हमें निकालना है एक्स कैप पी एक्स कैप का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसको करते हैं तो फिर अपन आंसर निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, अगर इसको सॉल्व करना आ गया तो मतलब आप प्रॉपर्टीज का यूज करना सीख गए। एक्स कैप पी एक्स कैप का स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स कैप इंटू पी एक्स कैप, ये काम कैसा वाला चलेगा प्रॉपर्टी का, ए कैप बी कैप और सी कैप के साथ, तो क्या होएगा, पहले ए कैप को बी कैप के साथ ऑपरेट कराएंगे, बाहर सी कैप आ जाएगा, फिर बी कैप को बाहर रख के ए कैप को सी कैप के साथ ऑपरेट कराएंगे। बताया था ना ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ए का काम एक्स कैप कर रहा है, बी का काम पी एक्स और सी का काम भी पी एक्स। अब करो, पहले एक्स कैप को इस वाले पी एक्स के साथ ऑपरेट कराओ, दूसरे वाले पी एक्स को बाहर रख लो, प्लस इस वाले पी एक्स को बाहर रखो, ऑपरेट कराओ एक्स कैप को पी एक्स कैप के साथ। एक्स कैप पी एक्स कैप क्या होता है बताया था, आयोटा एच क्रॉस, यहाँ पे क्या बचा पी एक्स कैप, यहाँ पे पी एक्स कैप आगे रख दिया, यहाँ पे क्या आएगा आयोटा एच क्रॉस, या आयोटा एच क्रॉस तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट को तो भले ही आगे पीछे कर दो कोई दिक्कत नहीं होती, तो यहाँ पे टू आयोटा एच क्रॉस पी एक्स कैप, ये इसका आंसर आ गया। सॉल्व करो, कांस्टेंट में कोई दिक्कत नहीं होता, थ्री इंटू एक्स हो या एक्स इंटू थ्री हो, रखेंगे हमेशा थ्री एक्स ही, कांस्टेंट हमेशा ही आगे रखते हैं। इसको रखो, फिर दूसरा क्वेश्चन कराती हूँ। प्रॉपर्टी कौन सी यूज ली है चाहे साइड में लिख लेना, और नहीं तो देखो इतना तो आपको आना चाहिए। हाँ तुम बोलो भाई मैडम आना तो बहुत कुछ चाहिए, आता तो नहीं है। अब नेक्स्ट करते हैं, हमें अगला क्वेश्चन करना है एक्स कैप स्क्वायर और पी एक्स कैप स्क्वायर, ठीक है सॉल्व करते हैं इसको।
इसको क्या लिख सकते हैं, पहले काम करते हैं, पहले एक को खोल लेते हैं, जैसे एबीसी वाला तरीका है ना, तो इसको तो ऐसा ही फिक्स रखते हैं, इसको खोल लेते हैं। खोल लिया, ये ए का काम कर रहा है, ये बीसी का काम कर रहा है, फॉर्मूला लगा के पुट करूं। पहले एक्स कैप स्क्वायर को इसके साथ ऑपरेट करा दूं, पी एक्स कैप को बाहर रख लूं, फिर इस वाले पी एक्स कैप को बाहर रख लूं और एक्स कैप स्क्वायर को ऑपरेट करा दूं पी एक्स कैप के साथ। अब क्या करेंगे, इसके दो बनेंगे, इसको खोल लो, इसको लिख सकते हो एक्स कैप इंटू एक्स कैप, पी एक्स कैप, पी एक्स कैप प्लस पी एक्स कैप, यहाँ पे एक्स कैप इंटू एक्स कैप, पी एक्स कैप। अब इसमें कौन सा वाला तरीका लग जाएगा, इसमें लग जाएगा ये वाला, ए कैप बी कैप मल्टीप्लाई में और सी कैप बाहर है, तो पहले ए कैप को ऑपरेट कराएंगे सी कैप के साथ, बी कैप बाहर, फिर ए कैप बाहर और बी कैप को ऑपरेट कराएंगे सी कैप के साथ, ये वाला तरीका लगाएंगे इसमें। ठीक है, मैंने बताया था ना फोर्थ और फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, वो ही ले रहे हैं। तो अब एक काम करते हैं, इसको तो बाहर ही रख लेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं, इसको करते हैं। तो पहले इस एक्स कैप को ऑपरेट कराया इस पी एक्स कैप के साथ और एक्स कैप बाहर, फिर इस वाले एक्स कैप को बाहर रख के एक्स कैप को ऑपरेट कराया पी एक्स कैप के साथ, बाहर क्या आया पी एक्स कैप, यही है ना, फिर प्लस पी एक्स कैप को तो रख लिया बाहर, इसको इसके साथ ऑपरेट कराया, बाहर आ गया एक्स कैप, प्लस अब इस वाले एक्स कैप को तो बाहर रख लिया, इस वाले को इसके साथ ऑपरेट करा दिया, डन। अब क्या करें, यहां से करते हैं एक्स कैप पी एक्स कैप आयोटा एच क्रॉस एक्स कैप, प्लस यहां से एक्स कैप आयोटा एच क्रॉस पी एक्स कैप प्लस पी एक्स कैप, यहाँ से आयोटा एच क्रॉस एक्स कैप प्लस एक्स कैप आयोटा एच क्रॉस, सही है। यहाँ से देखो ये क्या आ गया, टू आयोटा एच क्रॉस एक्स कैप पी एक्स कैप प्लस यहाँ से पी एक्स कैप और यहाँ पे आया टू आयोटा एच क्रॉस एक्स कैप, तो यहाँ से टू आयोटा एच क्रॉस तो कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा एक्स कैप पी एक्स कैप प्लस यहाँ पे क्या बचा है, देखो टू आयोटा एच क्रॉस तो बाहर, यहाँ पी एक्स कैप यहाँ है और एक्स कैप यहाँ है, इनको आगे पीछे नहीं कर सकते ऑपरेटर्स को, टू आयोटा एच क्रॉस को कर सकते हो क्योंकि कॉन्स्टेंट है, यहाँ बचा पी एक्स कैप और एक्स कैप, आंसर आ गया किसका, एक्स कैप स्क्वायर और पी एक्स कैप स्क्वायर का आंसर आया है, ये रहा टू आयोटा एच क्रॉस एक्स कैप पी एक्स कैप प्लस पी एक्स कैप एक्स कैप। नोट करो फॉर्मूले सारे इसमें काम आ रहे हैं ना, अभी एक चीज और प्रूफ करके बतानी है, अभी ये तो क्वेश्चन करवाया है, नोट कर लो। अब करते हैं एक प्रूफ दिखाते हैं आपको, मैं जादू दिखाते हैं आंसर आता है कि नहीं आता। हाँ जी, तो देखो हमने एक चीज लिखी थी मैंने कि एल एक्स कैप और एल वाई कैप का कम्यूटेशन जो होता है उसका आंसर आता है आयोटा एच क्रॉस एल जेड कैप, इसको हम लोग प्रूफ करवाते हैं, इसका प्रूफ और इसी के जैसे बाकी के प्रूफ होंगे, यानी एल वाई एल जेड होगा तो एल एक्स आ जाएगा, एल जेड एल एक्स होगा तो एल वाई आ जाएगा, तो वो तो हमें प्रूफ करना है, उसकी कोई परेशानी नहीं है, करते हैं। हम लोग निकालते हैं इसकी वैल्यू, कम्यूटेशन ए बी का क्या होता है, ए बी माइनस बी, खोल दो एल एक्स कैप एल वाई कैप माइनस एल वाई कैप, ये काम करो ना ऐसे मत खोलो, इसको वैल्यू रखते हैं डायरेक्ट, फिर खोलेंगे
एल एक्स की वैल्यू जब मैंने शुरुआत में ऑपरेटर शुरू कराया था संकारक, तो एल एक्स कैप की वैल्यू लिखी थी वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई लिखी थी ना, जिसको याद है वो देख लो, नहीं तो भाई कर लेना। एल वाई की लिखी थी जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। अब क्या करेंगे इसमें, तरीका लगाएंगे ये वाला b माइनस सी या b प्लस सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला बस माइनस लग जाएगा। पहले a कैप को ऑपरेट करो b कैप के साथ, फिर माइनस का साइन लगा के a कैप को ऑपरेट करो c कैप के साथ, वही चीज़ हमें यहाँ करनी है। इसको a मान लो, इसको b और c मान लो, तो यहाँ पे पहले इसको ऑपरेट कराओ इसके साथ, फिर माइनस इसको ऑपरेट कराओ इसके साथ, डन। अब ये वाला इसका एक ऑपरेट होगा इसके साथ, एक ऑपरेट होगा फिर दोबारा इसके साथ, है ना। इसमें कौन सा लग जाएगा, जैसे मान लो ये वाला ए कैप माइनस बी कैप का सी कैप के साथ, तो क्या दिक्कत है, पहले ए कैप का सी कैप के साथ करो माइनस, फिर बी कैप का सी कैप के साथ करो, इसका इसके साथ y कैप पी जेड कैप जेड कैप पी एक्स कैप माइनस जेड कैप पी वाई कैप जेड कैप पी एक्स कैप, फिर माइनस इसका इसके साथ y कैप पी जेड कैप एक्स कैप पी जेड कैप, फिर इस ये माइनस आएगा, ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, जेड कैप पी वाई कैप एक्स कैप पी जेड कैप, सही है, चार आ गए। अब एक चीज देखना, यहां पे अगर मैं इसको ए और इसको बी सी मान के करूं, तो पहले ए बी के साथ होगा फिर ए सी के साथ होगा, है, फिर उसके बाद ये वाला जो है इसके दो खोलेंगे, मतलब चार हो जाएंगे। अब इसको मैं एक को खोल के दिखाऊंगी सिर्फ, ठीक है, बोलने में थोड़ा सा वो अलवरिया लैंग्वेज है हम्बे कहीं आई जाती है, तो सिर्फ इसको देखना, एक एक पार्ट के चार चार पार्ट होंगे, मतलब इसके चार इसके चार इसके चार इसके चार, टोटल 16। भाई इतना नहीं करा जाता है, इतना बड़ा नहीं सॉल्व किया जाता है, यहाँ पे स्मार्ट स्टडी की जाती है, फिर देखा जाता है, पॉइंट्स सेलेक्ट किए जाते हैं कि हम लोग कहाँ पे गलती कर रहे हैं या हम लोगों को कहाँ से रिजल्ट मिलने वाला है, सिर्फ इसको करके दिखाएंगे, बाकी सब आपके इसी से हो जाएंगे, ठीक है। अब एक इसको देख लो, और करना नहीं है इसको, सिर्फ समझना है, ये अगर पूरा ए का काम करे, ये बी और सी का काम करे, तो क्या होगा, पहले ए बी के साथ ऑपरेट होगा, किसके साथ, सी के, बी के साथ, इसके साथ, इसको रख लो बाहर, प्लस फिर इसका करो इसके साथ, जेड कैप को रख लो बाहर। अब ये ए और बी और ये सी, पहले इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, पहले वाई कैप को ऑपरेट करो जेड कैप के साथ पी जेड कैप बाहर, फिर वाई कैप को ऑपरेट किया, फिर पी जेड कैप को ऑपरेट करेंगे जेड कैप के साथ वाई कैप बाहर, और इनके सबके बाहर क्या है, पी एक्स कैप, ऐसे ही जेड कैप तो बाहर है इसके अंदर चलेगा, पहले वाई कैप को ऑपरेट कराओ पी एक्स कैप के साथ पी जेड कैप बाहर, फिर वाई कैप को ले लो बाहर, और ये पी जेड कैप को ले लो पी एक्स कैप के साथ, ऐसे, है ना। अब देखो यहाँ पे चार चीजें आ गई कि नहीं आ गई, एक दो तीन चार आ गई ना, ऐसे इसकी चार, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, 16। तो नहीं करना इतना, है ना, तो इसको ही बता देती हूँ। इसमें देखो वाई और जेड का कम्यूटेशन कहीं देखा है क्या, क्रम विधि में नहीं, एक्स का पी एक्स के साथ, वाई का पी वाई के साथ, जेड का पी जेड के साथ आता है, लेकिन सेम जो होते हैं ना, मतलब अगर दोनों पोजीशन पोजीशन के है ना, तो नहीं आते हैं। और आपको याद हो तो जब मैंने आपको ये रिलेशंस पढ़ाए थे, यानी ऑपरेटर पढ़ाए थे, तो बताया था विहित संयुग्मी, जैसे कि एक्स पी एक्स के साथ विहित संयुग्मी होता है, कोई ना कोई मान देता है एक्स पी एक्स के साथ, है ना, जैसे कि एनर्जी टाइम के साथ देती है, जैसे कि एल जो है कोणीय संवेग जो होता है वो कोणीय विस्थापन के साथ देता है, यानी इनके लिए जो है कोई ना कोई वैल्यू आती है, अदरवाइज और किसी के लिए नहीं आती है इनकी वैल्यू, बताए थे ना विहित संयुग्मी, और उस समय मैंने लिखवाया भी था विहित संयुग्मी,
एक्स पी एक्स का मान आयोटा एच क्रॉस होता है लिखवाया था, है ना? तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए आता है। कहीं पर आपने देखा था एक्स का वाई के साथ, एक्स का जेड के साथ? नहीं, इनकी वैल्यू जीरो जीरो ही आती है इनकी वैल्यूज, है ना? तो ये वैल्यू नहीं देते हैं, एक्स पी एक्स के साथ ही वैल्यू देता है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने यही पढ़ा था कि जो एक्स पी एक्स होता है ये बीज संयुग्मी होते हैं, क्योंकि इनका मेजरमेंट जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो हम लोग काम में लेते थे, यानी कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत जो है उसमें क्या है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स का मान जो है एच क्रॉस बाई टू के लगभग बराबर आया करता था, तो इन पर तो लगता है, ये तो होते हैं विध संयुग्मी और इन्हीं पर ही लागू होता है। लेकिन एक्स का अगर पी वाई के साथ लोगे या फिर वाई का पी जेड के साथ लोगे तो उन्हें आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, अलग अलग होते हैं ये, है ना? तो उस पर अनिश्चितता सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर भी ये चीज समझ लो कि एक्स का पी एक्स के साथ आयोटा एच क्रॉस होता है पर एक्स का पी वाई के साथ जीरो होता है, वाई का पी वाई के साथ कुछ ना कुछ होगा लेकिन वाई का पी जेड के साथ जीरो होगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, दोनों पोजीशन को दिखा रहे हैं, स्थिति को दिखा रहे हैं, y का px के साथ वैसे ही जीरो होगा क्योंकि y का सिर्फ py के साथ वैल्यू देगा, z और px और pz दोनों ही किसको दिखा रहे हैं, संवेग को दिखा रहे हैं, दोनों ही जीरो होंगे क्योंकि संवेग का संवेग के साथ कोई कम्यूटेशन रिलेशन नहीं होता। लेकिन z का pz के साथ आयोटा एच क्रॉस होता है तो pz का z के साथ क्या होगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस, यानी सिर्फ ये वैल्यू देगी। तीन में से, इन चार में से, इन चार हिस्सों को जब हमने देखा तो उसमें से सिर्फ एक ने हमें वैल्यू दी है, तीन ऐसे ही, ऐसे इसमें भी यही होगा, इनमें से चार होंगे सिर्फ एक वैल्यू देगा, इसमें देखते हैं देता ही नहीं देता, इसमें देखते हैं देता ही नहीं देता, इसमें भी देगा एक, ठीक है? तो अभी बताते हैं आपको कैसे, सिर्फ ये समझाने का हिस्सा था, है ना? तो इसीलिए आपको ये करना नहीं है। यहाँ आपको थोड़ा सा समझ के चलना है, यहाँ पे चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, पहला y का z के साथ जीरो, फिर y का px के साथ जीरो, फिर pz का z के साथ, pz का z के साथ, pz का z के साथ लेंगे तो ये y कैप तो आगे आ जाएगा और ये px कैप बाहर चला जाएगा, यही आएगा, बाकी का pz का px के साथ जीरो। अब आ जाओ इधर, जेड का जेड के साथ जीरो, जेड का पी एक्स के साथ जीरो, पी ए वाई का जेड के साथ जीरो, पी वाई का पी एक्स के साथ जीरो, जीरो। यहाँ आ जाओ, वाई का एक्स के साथ जीरो, पी जे वाई का पी जेड के साथ जीरो, पी जेड का एक्स के साथ जीरो, पी जेड का पी जेड के साथ जीरो, प्लस जेड का एक्स के साथ जीरो, जेड का पी जेड के साथ आएगा, जेड का पी जेड के साथ आएगा, जेड का पी जेड के साथ आएगा, तो देखो पी वाई के पीछे है बाहर पीछे चला जाएगा, एक्स कैप आगे आगे आ जाएगा, बाकी कोई आएगा नहीं। आ जाओगे y कैप, ये क्या आएगी इसकी वैल्यू, माइनस आयोटा h क्रॉस px कैप प्लस x कैप z कैप और इसकी वैल्यू आयोटा h क्रॉस py कैप। सॉल्व किया, यहां से हम लोग आयोटा h क्रॉस ले लेते हैं कॉमन, यहां पे क्या बचा, x कैप py कैप, यहां पे बचा माइनस y कैप px कैप। अब एक बात बताओ, यानी ये वाली चीज यहां ले आओ, यानी कि एल एक्स और एल वाई का कम्यूटेशन रिलेशन क्या आएगा, देखो आयोटा एच क्रॉस एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स क्या होता है, एल जेड कैप, डन। बताओ प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना? तो यही प्रूफ है इसका, और आता नहीं है ये प्रूफ पर समझ में तुम्हें आना चाहिए, इसीलिए इसको करवाया है, नोट कर लो इसको, क्योंकि आप कहोगे भाई कैसे लिखवा दिया, तो इसके लिए मैंने इसको लिखवा दिया है, ठीक है? अब हमें एक इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है ना वो निकालनी है, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में काम आती है, इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति का समीकरण, जो क्लासिकल में तो हम लोग न्यूटन की गति के समीकरण वगैरह पढ़ते हैं, यहाँ पे क्वांटम में एक गति का समीकरण चलता है वो निकालना है, क्योंकि हमारा इस यूनिट में लास्ट टॉपिक है एरनफेस्ट प्रमेय, वो हमें सॉल्व करनी है, उसका हमें आंसर निकालना है और उसका आंसर उसी इक्वेशन से आएगा।
तो इसका स्टेटमेंट लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि काम आएगा, क्वेश्चन के रूप में करवा रही हूं मैं, इसको निकालना जरूरी है। लिखेंगे यदि ए कैप किसी भौतिक राशि के लिए हर्मिटी संकारक है, जैसे कि हम लोग स्थिति नापते ना, स्थिति के लिए x, तो उसके लिए उसका ऑपरेटर या संकारक होता है x कैप। यदि a कैप किसी भौतिक राशि के लिए हर्मिटी संकारक है तथा h कैप हैमिल्टोनियन हैमिल्टोनियन संकारक है, तो सिद्ध करो, अब ये जो सिद्ध करवाएगा ना, यही क्वांटम यांत्रिकी में इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति का समीकरण होगा। सिद्ध करना है कि डी बाई डी टी ऑफ ए, यानी कि जो भौतिक राशि है ए, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू यानी प्रत्याशा मानकर टी के सापेक्ष अवकलन करें तो आंसर आना चाहिए 1/iota h क्रॉस, प्रत्याशा मान किसका, ए कैप एच कैप का। एच कैप क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन संकारक, और जब कराया था तो आपको बताया था कि हैमिल्टोनियन संकारक क्या होता है, हैमिल्टोनियन संकारक कुल ऊर्जा के लिए जो प्रयुक्त संकारक होता है वो होता है, और प्लस प्रत्याशा मान डी ए कैप बाई डी टी का, ए कैप क्या है, जो भौतिक राशि है ए उसके संगत संकारक है, ये होता है, ये हमें सिद्ध करना है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है ये प्रूफ, क्योंकि इसके द्वारा एरनफेस्ट प्रमेय जो है वो सॉल्व होगी। नोट करो इसको, ये जो प्रमेय है, सॉरी ये जो रिजल्ट है हमारा, ये रिजल्ट हमारे एरनफेस्ट प्रमेय को सॉल्व करने के लिए काम में आएगा, करना बहुत जरूरी है। ए जो है कोई भी भौतिक राशि है, हर्मिटी संकारक है, हर्मिटी संकारक होने का मतलब ये है कि जो ए कैप है उसका डैगर करें तो भी ए कैप ही आ जाए, और हैमिल्टोनियन संकारक का मतलब होता है जैसे कि एच कैप साई होता है वो होता है हैमिल्टोनियन ई, ई होता है, ये जो हैमिल्टोनियन संकारक होता है ये कुल ऊर्जा का संकारक होता है, कुल ऊर्जा मतलब कुल ऊर्जा का क्या होता है ऑपरेटर संकारक, आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी होता है ना, तो वो ही हमें निकालना है। अब इस प्रमेय को हमें प्रूफ करना है, प्रमेय क्या बोलेंगे, क्वेश्चन बोलेंगे इसको, तो हमें देखो इस इक्वेशन में जो शुरू करना है वो ऐसे है कि हमें मतलब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ना ये वाला, वो ऐसे है d by dt of ये, यानी a के प्रत्याशा मान का अवकलन, तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी किससे, a के प्रत्याशा मान से, तो प्रूफ में लिखेंगे इसके, इसकी उत्पत्ति मान लेना, उत्पत्ति प्रूफ लिखेंगे, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ a कैप इज डिफाइंड एज, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए कैप इज, ए कैप नहीं, ए इज डिफाइंड एज ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे, साई स्टार ए कैप साई, ये तो बार बार नहीं बताना, चल हिंदी मीडियम पढ़ा रही थी ना, हे भगवान मिक्स हो जाता है, सॉरी भाई, ये हिंदी इंग्लिश में तो कंफ्यूजन बहुत होता है, यहाँ लिखेंगे, वो तो हिंदी में लिखवाया होगा शायद, हाँ यहाँ पे लिख लेना, ए का प्रत्याशा मान, अब गुस्सा मत हो जाना भाई, मैडम ने तो इंग्लिश की लाइन लिख दी तो भैया अनर्थ कर दिया, ठीक है, डीवी अपॉन
साई स्टार साई डी वी। यदि साई प्रसामान्यीकृत फंक्शन हो या प्रसामान्य फंक्शन हो, प्रसामान्य फलन हो, तो क्या होता है, साई स्टार साई डी वी जो है उसकी वैल्यू वन होती है, तो ये तो हो जाएगी वन। तो यहाँ से जो ए का प्रत्याशा मान है वो आ गया साई स्टार ए कैप साई डी वी। अब हमें क्या करना है, हमें डी बाई डी टी यानी कि इसका डेरिवेटिव निकालना है यानी इसका अवकलन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी ए का प्रत्याशा मान बटे डी टी करेंगे। तो क्या करेंगे, देखो पहले इसका करेंगे इन दोनों को कांस्टेंट, फिर इसका करेंगे इन दोनों को कांस्टेंट, ऐसे तीन पद आएंगे। पहले साई स्टार का कर दो, डी साई स्टार बाई डी टी, बाकी कौन बचा ए कैप साई डी वी, फिर साई स्टार वैसा कि वैसा डी ए कैप बाई डी टी, साई वैसा डी वी, फिर प्लस साई स्टार ए कैप, साई की जगह करा तो डी साई बाई डी टी, यहाँ क्या आ गया डी वी। सही है, ये हमारे पास हो गई समीकरण पहली। अब इससे आगे हम लोगों को क्या करना रहेगा, हमें हर्मिटी संकारक लेकर चलना पड़ेगा, हर्मिटी नहीं हैमिल्टोनियन संकारक लेकर चलना पड़ेगा और इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, अभी आप यहाँ तक नोट कर लो।